अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ड्रामा सीरियल दीवानगी में अब तक आपने देखा कि सुल्तान का असल चेहरा नगीन के सामने आखिर आ ही चुका है। सुल्तान नगीन से कहता है कि तुम्हारी जैसी मामूली लड़की की भी कोई इज्जत होती है क्या, और नगीन के हाथ में पहनी हुई वो अंगूठी खींच कर उतार देता है कि तुम ये अंगूठी पहनने के लायक ही नहीं हो, मामूली लड़की सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही होती है। नगीन बहुत बुरी हालत में अपने घर वापस आती है, इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ऊपर से घर वालों के ताने अलाई था, यहाँ तक कि नगीन का बहनोई उस लपंगे के साथ उसे रुखसत करने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद नगीन वो घर भी छोड़ देती है। इस सब के बाद सुल्तान को सच में नगीन से मोहब्बत हो जाएगी, उसे सिर्फ नगीन ही नजर आएगी। आगे आप देखेंगे कि मजद दुरानी किसी न किसी तरह अपनी बेटी की शादी सुल्तान से करने में कामयाब हो ही जाएगा। सुल्तान शादी की पहली रात कमरे में आता है, शराब के नशे में धुत होकर नरमीन अपना चेहरा घूंघट से छुपा लेती है, तो सुल्तान उसे कहता है कि अपना चेहरा क्यों छुपा लिया, तो नरमीन कहती है कि पहले मुझे मुंह दिखाई दो। सुल्तान उसका घूंघट हटाता है तो उसे लगता है कि सामने नगीन दुल्हन बनी बैठी है। वो नगीन से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नरमीन शर्मा कर चेहरे पर हाथ रख लेती है और जब हाथ हटाती है तो सुल्तान की आंखें खुलती है कि ये नगीन नहीं नरमीन है। वो हैरान होकर पीछे हटता है, जिस पर नरमीन कहती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सुल्तान। दूसरी तरफ सुल्तान का बदला नगीन को कहीं का नहीं रहने देगा। वो ये शहर छोड़कर जा रही है क्योंकि सुल्तान मुसलसल उसका पीछा कर रहा है, उसे तंग कर रहा है, और आखिरकार नगीन की जिंदगी में भी कोई और शख्स आएगा। नगीन की उससे शादी भी हो जाएगी लेकिन वो कभी खुश नहीं रहेगी क्योंकि सुल्तान का दिया हुआ धोखा वो कभी नहीं भूलेगी। सुल्तान को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है और वो नगीन के शोहर के सामने इस बात का इतराफ़ कर देता है कि मैं नगीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सिर्फ बदला लेने के लिए मैंने उसे बर्बाद करना चाहा। लेकिन असलियत मेरे सामने आ चुकी है कि मेरी उस वीडियो की मीडिया तक लाने वाली नगीन नहीं बल्कि मेरी अपनी ही चचाजात नरमीन है। वो नगीन के सामने हाथ जोड़ देगा और नगीन उससे मुँह पेरेगी कि तप्पा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि सुल्तान के इतने बड़े धोखे के बाद क्या नगीन को उसे माफ करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।